हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज हम बात करने वाले हैं स्टडी अब्रॉड के लिए जो डिफिकल्टीज होती है उसके बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होती है जब स्टडी अब्रॉड के लिए प्लान करते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टडी अब्रॉड के लिए इंडिया से या फिर कोई भी कंट्री से प्लान तो करते बाहर जाने के लिए, बट एक बार वो बाहर चले जाते देन दे हैव टू फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स। फॉर एग्जांपल, जब से कोविड हुआ है और कोविड के बाद की सिचुएशन जब आई है, तब स्टूडेंट जो वहाँ पे चले गए हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, होम सिकनेस है, एनजाइटी है, फिर उसके बाद डिप्रेशन से, तो ये सारी चीज़ें उनको फेस करनी होती है और वो फेस करते भी हैं। बिकॉज ऑफ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं, वो इजीली मैच भी नहीं हो पाते। तो जब बाहर स्टडी करने के लिए जाते हो, ठीक है, तो उसमें सबसे प्रॉब्लम्स, सभी को प्रॉब्लम्स आते हैं। बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी कल्चर में इजीली सेट हो जाओ। तो आज के वीडियो में मैं वही आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप बाहर पढ़ने जाते हो तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कि आप बाहर जा रहे हो तो आपकी मेंटल हेल्थ भी इतनी इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज ऑफ वहाँ जाने से सबसे पहले प्रॉब्लम आता है कल्चर शॉक। कल्चर शॉक ऐसी चीज़ होती है कि स्टूडेंट इजीली ग्रैप नहीं कर पाते। बिकॉज ऑफ वहाँ पे उनका फूड है, उनकी लाइफस्टाइल है, उनकी क्लोथिंग सेंस है, वहाँ पे जो लोकल्स फ्रेंड्स हैं उनके साथ फ्रेंडशिप या फिर बॉन्डिंग करने में उनको काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर यही होता है कल्चर शॉक, तो वो इजीली स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रॉब्लम। दूसरे प्रॉब्लम में यही होता है कि होम सिकनेस और फोमो हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो इजीली, जैसे कोई एक स्टूडेंट है वो कनाडा या फिर कोई भी कंट्री में शिफ्ट होता है तो एक या दो महीने उनके लिए इजी नहीं रहते। बिकॉज ऑफ उनको वो जहाँ होते हैं वो जगह को एक्सप्लोर करना रहता है, नए लोगों को मिलना होता है। उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है चैलेंजेस लैंग्वेजेस का। काफ़ी स्टूडेंट को वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस ईजिली समझ में नहीं आती है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना होता है कि आपको खुद से थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, लोगों को कनेक्ट करो, ठीक है। और ये प्रॉब्लम सभी स्टूडेंट को रहता है। फिर उनका खाना एक्सेप्ट नहीं होता है कि कौन से टाइप का खाना है। फिर आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, ट्रैवल होने के लिए भी काफ़ी उनको चैलेंजेस रहते हैं। तो ये लोग ज़्यादातर घर से बाहर भी नहीं निकलते एक दो महीने के लिए, और ना तो फिर और कोई एक्टिविटीज़ के लिए भी वो रेडी होते हैं। बिकॉज ऑफ मैच ही नहीं हो पाता है, ये दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम हम बात करते हैं एकेडमिक और फाइनेंशियल प्रेशर। एकेडमिक और फाइनेंशियल प्रेशर में ऐसा होता है कि कोई भी कंट्री से जब स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको सबसे पहले होता है फैमिली के पास से या खुद की सेविंग्स, ये दोनों को जुड़ के वो लोग आ जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो फर्स्ट ईयर के लिए उनके पास इनफ हो जाता है, उन्होंने फीस भर दी होती है और काफ़ी उनके पास फंड रहता है। बट जब एक्चुअल चैलेंज आता है नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए, उनको फीस इकट्ठा करनी होती है, तो उनके पास फाइनेंशियल प्रेशर भी हो जाता है। और दूसरा, उनकी पढ़ाई के साथ उनको जॉब रिलेटेड भी काफ़ी इश्यूज होते हैं, पार्ट टाइम जॉब। तो ये क्या हो जाता है, एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है स्टूडेंट के लिए कि उनको उनके असाइनमेंट्स टाइम पे करने रहेंगे, उनको जॉब के लिए भी इतना टाइम देना पड़ेगा ताकि वो जो फंड इकट्ठा होता है वो फंड उनकी नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर की फीस में जाए। और काफ़ी पेरेंट्स ने तो लोन लेके स्टूडेंट को भेजा होता है, तो वो लोन को भरने के लिए भी उनको अपने पेरेंट्स के पास पैसे भेजने पड़ते। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है कि फाइनेंशियल एंड एकेडमिक जो भी चैलेंजेस होते हैं, प्रेशराइज होते हैं, उनको भी उनको फेस करना रहता है। अब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट को स्पेशली कि अगर आप बाहर पढ़ने जाते हो तो सबसे पहले क्या करो। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के ऊपर। सबसे पहले आप जितने भी लोकल कम्युनिटीज है उनके साथ आप कनेक्ट हो जाओ। वहाँ पे जितने भी ग्रुप्स हैं कॉलेज के इनसाइड कैंपस में, उनके साथ कनेक्ट हो, उनके साथ बात करो, डिस्कस करो और हेल्प लो। अगर आप कहीं भी फंस जाते हो तो बहुत सारी कॉलेजेस में काउंसलिंग डिपार्टमेंट होते हैं, स्टूडेंट काउंसलिंग होते हैं डिपार्टमेंट, वहाँ जाओ, उनके पास से हेल्प लो। बिकॉज हेल्प लेना बुरी बात नहीं है। अगर आप कहीं पर फंस जाते हो, कहीं पर आपको प्रॉब्लम है, आप कुछ समझ में नहीं आता है ना तो लैंग्वेज का ना एकेडमिक का, तो आप किसी से भी हेल्प ले सकते हो। और ये ज़रूरी है ताकि आपको सॉल्यूशन मिले। आप किसी को पूछोगे ही नहीं तो आपको सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आपको वहाँ जाके सीखनी पड़ेगी कि हेल्प लेना सीखो। और जहाँ भी रुको वहाँ कहीं ना कहीं किसी के साथ कनेक्ट हो जाओ, लोकल कम्युनिटी में जाओ, उनके साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ रहती है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती है कॉलेज में, काफ़ी प्लेज होते हैं और काफ़ी अलग अलग इवेंट भी रहते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो।
और जितने भी लोग हैं, नए लोगों को मिलो, नई जगह को एक्सप्लोर करो, और जॉब के लिए भी काफी लोगों को अप्रोच करो, सामने से अप्रोच करो कि इफ यू आर लुकिंग फॉर जॉब चेंज तो, या लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए, फिर सामने वाले को पूछो कि भाई आपको जॉब के लिए कोई चाहिए, आई एम रेडी टू वर्क फॉर यू. तो आपको इस तरह की चीजों के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा. और कनाडा में लास्ट 4 to 5 ईयर से काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये जो फोबिया होता है, होम सिकनेस है, एंजाइटी है, तो उसी के लिए काफी कॉलेजेस ने इसके फीस के ऊपर काम करके, थोड़ी बहुत फीस इंक्रीज करके ये पूरे सेंटर्स बनाए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ वो स्टूडेंट को हर तरह की हेल्प कर पाए, ताकि जो भी स्टूडेंट माइग्रेट होते हैं स्टडी के लिए, उनको प्रॉपर एक स्पेस भी मिल जाए और इजीली वहां पे पढ़ के अपना करियर डेवलप कर सके. तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की. तो स्टूडेंट जब भी कोई बाहर जाएगा तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के चलो. और वन मोर थिंग, आप हमेशा आपके फैमिली के साथ कनेक्ट रहो. कुछ भी हो जाता है, आपकी फैमिली कोई भी कंट्री में होती है, उनके साथ कनेक्ट रहो, उनके साथ डिस्कस भी करो. और आपकी जो भी रिलीजन कम्युनिटी है या फिर आपकी सिमिलर कंट्री वाले स्टूडेंट्स हैं, आप उनके साथ कनेक्ट हो जाओ, उनके ग्रुप में कनेक्ट हो जाओ, और उसके बाद आपके जो भी चैलेंजेस आते हैं उसको सॉर्ट आउट करना स्टार्ट करो. तो आज की वीडियो में इतना ही. मैं हूँ मयूरी. जय हिंद.